दुनिया में क्रिसमस डे दिसंबर की 25 तारीख को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई समुदाय के लिए यह एक बड़ा दिन भी है। हालांकि बाइबल में जीएस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। इतिहास पर नजर डालें तो 336 ईसवी पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस के जन्म को ही 25 दिसंबर को मनाने का ऐलान किया। तब से दुनिया भर में क्रिसमस मनाने की तारीख फिक्स हो गई। इस बात पर ध्यान करा कि हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं, और क्योंकि जब हम जन्मदिन मनाएंगे तो वो पूरे विश्व के लिए होना चाहिए एक ही दिन। तो जब वो इंग्लिश कैलेंडर को देखा गया तो उसमें जो 25 दिसंबर का के दिन को नियुक्त किया गया कि पूरे विश्व में एक दिन ही यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का जन्म के 8वें दिन जयपुर के मशहूर सेंट एंड्रियस चर्च में क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है, जिसकी रौनक आ गई है और शहर की सभी चर्च में कैरोल सिंगिंग के साथ प्रेयर की जा रही है। इसी बीच सेंट एंड्रियस चर्च में प्रार्थना की गई और कैरोल सॉन्ग गाए गए और बाइबल भी पढ़ी गई। इस मौके पर चर्च में कम्युनिटी लंच का भी आयोजन किया गया। चर्च के फादर क्रूस लॉयल का कहना था कि क्रिसमस प्यार करने और प्यार बांटने का त्यौहार है, और ऐसे में आयोजनों से लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना बढ़ती है।